नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य 2021 की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा छठा दिन है और आज के टारगेट्स में हम बात करेंगे इकोनॉमी, इंडियन कल्चर और एंशंट हिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की। जैसा आपको पता है, हम अभी तक एंशंट हिस्ट्री कर चुके हैं और आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कर चुके हैं, बचा है तो केवल और केवल इकोनॉमी। तो आपका डेली का टाइम टेबल जैसा भी है, आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 कैसे हम शेड्यूल कर रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो अगर किसी ने टाइम टेबल नहीं बनाया तो इससे देख सकते हैं। जो बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, और जो रात को देर से सोते हैं, मीन्स नाइट आउल्स हैं, जो रात भर उठ के पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ, वो इसको देख के जो है फॉलोअप कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, दे कैन रेफर दिस। सो आज के जो टॉपिक्स हैं एंशंट हिस्ट्री के, आप फिर से आप एंशंट हिस्ट्री के पहले चैप्टर से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। प्री हिस्टोरिक कल्चर, उसके बाद पेस्टोरल फार्मिंग, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी और प्री मॉडर्न एज, ये पांच टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो ये कहाँ से करना है, इसके लिए प्राइमरी सोर्स आपका ओल्ड एनसीईआरटी रहेगी, क्लास 11th की। कोशिश कीजिए आज ये पांच टॉपिक्स आप ओल्ड एनसीईआरटी से कवर अप कर सकें। इसके लिए स्पेसिफिक कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, चैप्टर नंबर 7, 8 और इसके अलावा 9 और 25, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 19, मींस 1 से लेकर 25 तक के चैप्टर आपको पूरे कवर अप कर लेने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पूरी एनसीईआरटी ही कवर हो गई। देखे, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है और अपने लक्ष्य को अपना बनाना है। तो अब सेकंड शिफ्ट पे आ जाते हैं, इंडियन कल्चर, जिसमें हमें पढ़ना है। इंडियन कल्चर में आज हम फिर से रिवाइज करेंगे विजुअल आर्ट्स को, आर्किटेक्चर को, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को, मॉडर्न आर्किटेक्चर को और इंडियन पेंटिंग। इसके सब टॉपिक्स में हम लोग स्कल्पचर हो गया, मौर्यन एज के, हरप्पन के, पोस्ट मौर्यन, जैन स्कल्पचर, बुद्धिस्ट स्कल्पचर, गुप्त स्कल्पचर, इस टाइप से पूरे को देख लीजिए आप। इनके स्पेसिफिक क्या होगा, अगर आप सब टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे, सब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी और बाद में क्या होगा, केवल और केवल आपको ये सिलेबस देखने मात्र से ही जो है चीज़ें क्लैरिफाई होते जाएंगी। तो इनके सब टॉपिक्स आपको प्राइमरी एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया की बुक आपको रेफ़र करनी है इसके लिए। इसके अलावा देखिए, आर्ट एंड कल्चर के क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो पॉटरी हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, मार्शल आर्ट हो गया और थिएटर, ये भी आपको आज करने की कोशिश करना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर शिफ्ट 3 में आप बात करते हैं, क्योंकि हमारा सब तो हो गया था बट इकोनॉमी बचा हुआ था। तो इकोनॉमी में आज आपको रोल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्स, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ और क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया, ये आपको करने हैं। लैंड रिफॉर्म में जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके प्रोग्रेस क्या थी, प्रोसेस ऑफ लैंड सेलिंग क्या थी, एग्रीकल्चर फाइनेंस में फीचर क्या थे, एग्रीकल्चरल फाइनेंस में उसके फीचर क्या थे, क्राइटेरिया क्या थे और क्या क्या चीज़ें थी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आप देख लीजिए कमर्शियल बैंक और ये लीड बैंक स्कीम, मल्टी एजेंसी अप्रोच, रीजनल रूरल बैंक, ये सब चीज़ें आपको आज के इस टॉपिक में करने हैं। तो आज शिफ्ट 4 की बात कर लेते हैं, इसमें आपको करना है सीसेट। सीसेट में आपको क्या करना है, सिलेक्शन बेस्ड टेस्ट और कंपैरेटिव स्टडी। इसके बाद करंट अफेयर्स के आरंभ सीरीज़ और समीक्षा सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी यूट्यूब पे। तो हमारे चैनल पे और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो बने रहिए टीम, आप आइए इसके साथ। हमारा प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच, जो कि इन टारगेट बेस्ड के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें उसमें हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ और ये सब चीज़ें, जिसमें आपको वैल्यूएबल इनपुट्स और कॉल, स्टडी प्लान, फीडबैक सब कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल ₹499 ओनली, जिसका मार्केट में प्राइस पूछेंगे तो करीब 10-12 हज़ार रुपये है। तो आपको बिल्कुल रीजनेबल कोर्सेज मिल रहे हैं। MCQ बेस्ड एक सीरीज़ चल रही है, तो वो बस ₹999 है। इसके अलावा जो है आपके और भी कोर्सेज पे काफ़ी डिमांड है, जैसे मीन सेंस राइटिंग का प्रोग्राम है, तो वो बड़े सस्ते रीजनेबल रेट्स में ला रहे हैं। करंट अफेयर्स का पूरा क्रैश कोर्स आपको आरंभ सीरीज़ के रूप में मिल रहा है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो कमेंट करके बता दिया कीजिए यार, इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है। वो जैसा मैंने कहा, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, तो मिलेगी मंजिल एक दिन, ये बिखरे हुए उसके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं कुछ लोग और उनके हुनर बोलते हैं। तो आप लोगों के भी हुनर बोलने चाहिए, खामोश भी रहिए कोई बात नहीं, और मिलकर ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। आप अगर इतना कर ले रहे हैं जितना हम बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके लगभग पास है और आप लोग इस बार UPSC की लिस्ट में अपना नाम पा रहे हैं।
धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन टारगेट्स से वास्तव में आपको मदद भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। धन्यवाद।